Assalamualaikum dear students, how's going your life this summer? Going good? Yeah, okay. So today's lecture is about flight time of projectile motion. Okay, let's start it. You see this question, a shell is projected making an angle theta with the horizontal. Derive following expression. These two, we have two expressions. First one is for the time to reach the highest point, and second one is for the time of flight. First one का मतलब क्या है? For the time to reach the highest point, इसका मतलब ये है, आप हम इसका हम projector देखते हैं, अगर projector motion का, ठीक है? मेरे साथ शायद सही नहीं बन रहा होगा, लेकिन मैं picture उठा लेता हूँ. यानी खैर एनीवे मैं जिस जन्म ला रहा हूँ, ठीक है. अब ये पूछा, वो टाइम बताओ जब प्रोजेक्टर मोशन जब मैक्सिमम हाइट पे अटेन कर लेगा, ठीक है. तो वो ये पॉइंट है. अब हमें पता है प्रोजेक्टर मोशन में जब नीचे से अब ऊपर आ रहा हो हाईएस्ट पॉइंट तक जो टाइम लग रहा है वही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा, ठीक है. अगर यहां से यहां तक जो टाइम लग रहा है वो अगर फर्स्ट करो टी है, तो यहां से यहां तक जो टाइम लगेगा वो भी क्या होगा, टी होगा, ठीक है. अगर फर्स्ट करो यहां से लेके यहां तक टाइम लग रहा है 10 सेकंड, सो सिमिलर यहां से लेके यहां तक भी 10 सेकंड, ठीक है. सो ये सेकंड में यूज होगा ये चीज, और फर्स्ट में हमें बताना है यहां से लेके यहां तक का टाइम, ठीक है, जब ये हाईएस्ट पॉइंट में पहुंच जाए, ठीक है. चलो अब दूसरा एक और चीज है आपको पता होना चाहिए, अगर हम कंपोनेंट में तोड़ते हैं इसको, आपके पास दो कंपोनेंट है, एक एक्स, सॉरी ये वाई, ये आपका एक्स कंपोनेंट है, ठीक है. और जो एंगल की हम बात करें वो एंगल हमारा ये बन रहा है, ठीक है. तो ये आपका होगा वर्टिकल वेलोसिटी वी नॉट वाई, और ये क्या होगा वी नॉट एक्स, और ये रिजल्टेंट क्या होगा V नॉट, पता है ना आपको. फर्स्ट को मैं यहां बना रहा हूं, ये आपका एंगल बन रहा है, ठीक है, और ये आपका V नॉट Y है, ठीक है, और ये V नॉट X है, और ये V नॉट, ठीक है. अच्छा अब यहां पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो V नॉट Y, यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा. वर्टिकल वेलोसिटी देखो यहां पे कोई एंगल नहीं बना जीरो, तो क्या होगा, हमें पता है साइन जीरो क्या होता है. अगर फर्स्ट को वी नॉट वाई हम बात करें, वी नॉट वाई इज इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट साइन थीटा, तो साइन थीटा. तो यहाँ पे देखो बताओ डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल क्या है, जीरो. बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे क्यों वी नॉट वाई जीरो होता है, क्यों होता है एंगल, यहाँ कुछ नहीं बन रहा, तो साइन जीरो क्या होता है. अगर हम मैथमेटिक्स ये तो बहुत पावरफुल चीज है और आपको आसान कर देता है लाइफ को, वी नॉट वाई क्या हो जाएगा आपके पास, ये जीरो हो जाएगा. इसको हम कह वी नॉट वाई नहीं कहना चाहिए, इसको फाइनल, इसको हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे एफ लिख देते हैं, वी नॉट वाई एफ, ठीक है, क्योंकि ये अपनी फाइनल वेलोसिटी, हमें यहां से लेके यहां तक का टाइम बताना ना पहले सवाल में, हाँ कि ना. तो ये आपका वी नॉट वाई एफ कहलाएगा, और ये वी नॉट वाई आई हम कहलाएगा. तो नाउ वी गोइंग टू यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सो वी नो दैट वी Vf is equal to final velocity is equal to initial velocity plus acceleration times t. तो हमारे पास जो है Vf क्या है, V not Yf is equal to Vi, we have V not Yi plus at, right? So अगर हम बात कर रहे हैं कंपो एंगल कोई बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये v v नॉट y क्या कहलाएगा, एक्चुअली v नॉट y इज इक्वल टू ये जो रिजल्टेंट है आपका जो वेक्टर v नॉट साइन थीटा, और ये v नॉट x क्या होगा, ये होगा v नॉट शाबाश cos थीटा, ठीक है, ये क्लियर हो गया. तो हम इसकी जगह v नॉट y i की जगह हम क्या यूज करेंगे, हेलो v नॉट y i की जगह हम लोग यूज करेंगे v नॉट, बताओ यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी इस पॉइंट पे इनिशियल में,
यहाँ पे हमारे पास है वी नॉट साइन थीटा। यहाँ पे इस पॉइंट पे आपकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या है, वी नॉट साइन थीटा, ठीक है, वी नॉट साइन वी जस्ट वी पुट अप। अभी थोड़ी देर पहले बताया वी नॉट वाई एफ क्या होगा रही स्टूडेंट, इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगा क्योंकि एंगल जीरो बन रहा है, ठीक है, समझ में आई वर्टिकल वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे चुपचाप से जीरो पुट अप कर देंगे। अब क्यों बात आ रही है अंडर ग्रेविटी की बात करी, हम वर्टिकल वेलोसिटी बात कर रहे हैं तो ग्रेविटी आ रही है, तो एक ही जगह हम क्या रखें पुट अप कर देंगे जी, और टाइम की जगह हम टी पुट अप करते हैं, और इस टाइम की जगह मैं रख देता हूँ स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, ये टाइम पीरियड हो जाएगा, क्या कहलाएगा इसको, हम कहेंगे आपका टाइम पीरियड के लो फ्लाइट टाइम कहलाएगा फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। सो जी टी जस्ट वी चेंज द प्लेसेस। अच्छा इसको पूरी चीज को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, ठीक है, वी नॉट साइन थीटा इजिकल टू, सॉरी माइनस में आएगा, इजिकल टू जी टी, ठीक है। अच्छा हाँ सॉरी एक मैं चीज गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है ये नेगेटिव जी आपका आएगा डाउनवर्ड जा रहा है ना, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव जी पुट अप करना चाहिए था मुझे, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, तो ये चीज पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, इस जी टी को मैं वहां ले रहा हूँ, टी की स्मॉल टी की जगह मैं कैपिटल टी लिख रहा हूँ, ठीक है, इजिकल इसको मैं वहां लेके गया हूँ वी नॉट साइन थीटा, तो टी किसके बराबर आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। तो ये आपको टाइम पीरियड मालूम हो गया कब से कब तक का, आपके हाईएस्ट पॉइंट तक का। अगर ये प्रोजेक्टर मोशन जब हाईएस्ट पॉइंट पॉइंट पहुंच जाता है उस वक्त क्या टाइम होगा, वो होगा टाइम हमारे पास टी इज इक्वल वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। और दूसरा सॉरी ये माइनस जी आपको क्लियर हो गया क्यों होगा, ये क्या है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है, तो माइनस जी होगा, ठीक है, अगर अपवर्ड होता प्लस जी आता, ये तो आपको पता ही है ना। अच्छा तो ये हमने पहला पहला सवाल का पार्ट हमने कर लिया, फॉर द टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, टाइम बताओ जो कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा। नाउ वी गोइंग टू कैलकुलेट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन अर्ली यू नो स्टार्टिंग ऑफ टाइम के मैं शुरू में जब पढ़ा रहा था तो क्या बता रहा था मैं आपको, जितना टाइम यहाँ से यहाँ लगे हाईएस्ट पॉइंट पे उतना टाइम यहाँ से यहाँ लगे, उसका मतलब टी प्लस टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी प्लस टी, तो ये आपके पास हो जाएगा टोटल टाइम, ये हो जाएगा टोटल टाइम, ठीक है, क्या कहलाएगा टोटल टाइम। तो आपने ये जो टी लिया है यहाँ से यहाँ का टाइम जो है कैपिटल टी प्लस कैपिटल टी, तो ये क्या हो जाएगा टू टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, या टू कैपिटल टी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको ट्वाइस कर देंगे, इसको ये आपका पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे अगर टोटल टाइम हमें पूछ रहे हैं, टोटल टाइम को मैं मालूम इसको लिख रहा हूँ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कैसे डिनोट करें स्मॉल टी से डिनोट करें, तो ये क्या होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू टू टी, ठीक है, तो टी इज इक्वल टू टू टी, और टी हमारे पास क्या है वी नॉट साइन थीटा ओवर जी, ठीक है, वी नॉट साइन थीटा ओवर जी, तो हमारे पास क्या आएगा टी इज इक्वल टू टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, मैं इस सीरीज में बना रहा हूँ और आप इसको प्रैक्टिस करो। अभी आप लोग जो एमसीक्यूज आएगा आपके ईकेट अब जो कहते हो आपके जो एनसीटीएस में जो आएगा इसी तरह आएगा आप, मगर आप डेविएशन में तवज्जो दो, खाली देखो कैसे ड्राइवर मे भी उसमें कोई पार्ट पूछ सकते हैं, ठीक है, और कोई आपको कोई 50,000 खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप वही लेक्चर जो अभी देख रहे हो यहाँ अभी भी तो इसी को रिवाइज करो, यही चीज आपको पेपर में आएगा आपके एनजी टेस्ट के लिए, जैसे अभी आपका एनजी टेस्ट हो गया और सर सैयद का और बला बला यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का,
तो ई कैट की आप बुक ले लो और साथ साथ ये लेक्चर देखो मेरा, तो होप सो कोई मुश्किल नहीं होगा आपके एंट्री टेस्ट के लिए। मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा फिजिक्स मैथ्स तो आपको मैं पक्का कर दूँ, अगर मुझे बाद मौका मिले तो मैं केमिस्ट्री भी देखूँ अगर आप लोग बोलो तो, इंशाल्लाह मैं टाइम मिलेगा तो साथ साथ मैं ये करूँगा, आप लोगों के प्रिपरेशन करवाऊंगा ई कैट के लिए और दूसरा बी कैट के लिए जो बिजनेस स्कूल के लिए एडमिशन के लिए। होप सो थैंक यू फॉर यू फॉर यू फॉर यू गिविंग मी टाइम। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर।